क्या जिसने तुम्हें को ना जीतेगा एक तरफा जीतेगा वही बीजेपी को जिताएंगे तुम्हारे को ये बताने के लिए आपके मेरा मुंह काला मत करवा दियो ना तो लोग मेरा जूत मारेंगे जो आपने कभी सोचा ये आपके गुआंड का जो भाई कई दिन पहले चर्चा चल ली थी कांग्रेस ज्वाइन करे ज्वाइन क्यों ना हो भाई मैं बताता हूँ ये बात को पूरा हरियाणा प्रदेश तुम्हारे को जयचंद बोलेगा जयचंद किसान के सबसे बड़े गद्दार साबित हो चार साल के अंदर 4500 करोड़ रुपए का घाटा जिसने कर दिया हो वो तुम गंडे के बाहेंगे बाढ़ देखो लाख लाख रुपए डेढ़ डेढ़ लाख रुपए प्राइवेट दुश्मन रिश्वत चल पड़ी क्या होगा इस देश का क्या गांव का कोई का भाई ठीक ठाक काम धंधा कर रहा हो कार पूरा बढ़िया कोठी घर बना लिया उस दौर रात ने 2 बजे फोन करोगे 5 लाख रुपए पहुंचाती उन्हें गोली मारेंगे पॉलिटिकल दल या जो भी नेता किसान मजदूर का नहीं है उसका नामो निशान मिटा देंगे कांग्रेस के उदासा विपक्ष के नेता है मुख्यमंत्री बनता हो तड़के बुला लो उसकी गेल खड़ा हो जाएगा उसकी गर्दन आड़े से पकड़ रखी है गणिए फाइल से और आज जिस प्रकार की चर्चा थारे पास भी कहेंगे अगर बीजेपी ने छोड़ रखा है जे आड़े तुमने बीजेपी जिता दी तो न्यू मान लेना उसके 10 दिन के बाद में हरियाणा को बीजेपी के खिलाफ बोलने मानस नहीं पाओगा उसका पजामा तार-तार इतने जूत मार देंगे समझ में आओगे समझ नहीं करके मैं तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ और आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि बलराज कुंडू आज क्यों घूम रहा है जगह जगह मुझे क्या जरूरत है मैं तो वन मैन आर्मी हूँ ना आपको मेरी पार्टी ना मेरे को मुख्यमंत्री बनता ना कभी इस बात को सोचना कि युवा साथी खड़े हैं मैं सिर्फ इसलिए घूम रहा हूँ कि मैं उस किसान का बेटा हूँ मैंने खेत में धान भी काट रखे हैं गेहूँ भी काट रखे हैं कपास भी चुग रखे हैं ईंख भी छोड़ रखे है और ईंख बो भी रखे है खाल बना रखे हैं पानी दे रखे है दिन में भी रात में भी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ फौजी के बाद में अरे न्यू मानते हो लल्ला की तब शेख आदमी है हेलो बहुत छोटे से हेलो 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 दोनों सर मेरे पिताजी तो एक छोटे से फौजी थे छोटे से जमींदार 8 किले की जमीन हम 4 भाई 2-2 किले हैं हमारा तो मैंने तो सिपाही भर्ती करवाण ताई नेताया गजो ना पाछे पाछे अंडे मैंने देखा वो तकलीफ करू गाल सुनी है और जो वर्तम आड़ है पिंडिया तेल लागे तड़के सा रेस मार हो फौज पुलिस में भर्ती होने का मैंने भी बहुत पिंडिया तेल लागे उन रेस मार रखी है सिपाही भर्ती होने ताई और मैं एयरफोर्स में सिपाही भर्ती हुआ था भाई और मेरी माँ रोन लगी मेरी माँ ने साबित उम्र गांव में घर जो ना गोबर गिरे रोटी इतने दिन पानी में रोटी डो रखे मैं तो मैं उस तकलीफ को जानता हूँ जो एक किसान के बेटे को और किसान के घर में होती है एमएलए तो मैं मालन बना रखे हूँ और आज तुम्हारा बना दोगे तो मेरा तो कोई फायदा नहीं होना होना है होना हो तो बताओ भाई मेरा क्या फायदा होना है मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए आप लोगों को जगाने के लिए आप लोगों को करने के लिए क्या आप में से बैठे बहुत सारे भाई किसी ना किसी पार्टी से जुड़ रहे होंगे कोई उड़ा साहब तो जुड़ रहा हो कोई इनलो तो जुड़ रहा हो कोई जेजेपी तो जुड़ रहा होगा एक आधा कोई हिसाब ही हो जो गलती तो जुड़ रहे मैं भी था पहले बीजेपी वाला की जय बोलिया करता और आज भी मैं आज मन बड़ा दुख होया मेरा तकलीफ हुई अरे 2-3 गांव जो थरे पड़े ना 2-3 ने कम में पाए सिर्फ बीजेपी बीजेपी के झंडे पाए और कोई झंडा दिखने नहीं पाया था पाया तो दो ही काम गिर ले और बड़े बड़े ताजे ताजे लोग आ रखे मेरे कल आज कल लगे नए नए झंडे दिखे आया दो 5-7 दिन पहले आया था सब यहाँ तो मेरा कहने का मतलब है मेरा तो सिर्फ उद्देश्य है इस बात के लिए है कि युवा शक्ति जो खड़ी है भाई ये ना किस्से के सिर्फ अपने परिवार के अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की रजवाड़े बना दिए हैं और जिस दिन यूथ इस बात ने समझने लग जाएगा और हम अंधभक्त हो गए और अपने हक के लिए जो श्यामी जो जनता का प्रतिनिधि आप चुनते हो ना वो राजा नहीं होता है वो आपका वकील होता है जो आपके हकों के लिए लड़ाई लड़े इसलिए आप उसको भेजते हो बना और 5 साल के लिए चुनते हो
और जिस दिन आपने उनको उसके न्यू समझ में आ गई, 5 साल आ गए, जब 5 साल ठीक ना काम करे तो तेरे गांव में फोन पड़ने, तेरे कुर्ते पाड़ लेंगे। और मैं ये बात उस दिन का कहने लग रहा हूं। अब प्रचार कर रखे है बीजेपी वाले दिन है, यो तो उल्टा का एजेंट से सोशल मीडिया पे देखते होगे भाई। और जो है हुड्डा साहब वाले नुके हैं आज, यो दैव दुष्यंत के लिए जोड़ लागे वाले, दुष्यंत भी नहीं आया था और यो उनका एजेंट है बीजेपी वाले का। और मैं तो एक बात पहले कहूं भाई, मेरे जो है ना, मैं सच्ची आत्मा से जो एक सेवक बन के मैं अपने लोगों को जगाने के लिए, पहलवान जी मैं जगाने के लिए इस राजनीति में आया हूं। मेरा मुंह काला मत करवा दियो ना, तो लोग मेरा जूत मारेंगे, जो गरीब पे कहने लग गए ना अगे, तो बीजेपी जाड़ तो जीत गई ना, तो मेरे सबसे बड़े जूत उस दिन लग जाएंगे, तो बीजेपी तुमने गलती कर दी और उसकी तैयारी कर दी है, उसकी तैयारी हो चुकी है। मैं आप सबको इस पवित्र स्थान में, मैं भगवान धर्म कर्म को मानता हूं और मेरी बात को याद रख लेना, थारे तो समझ में को नहीं आया जो खेल खेलने का, यहां जो तैयारी हो चुकी है, यहां जिसने तुम ये कहो ना जीतेगा एक तरफा जीतेगा, वही बीजेपी को जिताएंगे। मैं तुम्हारे को ये बताने के लिए आपके बीच में आया, वही जिताएंगे आपके बीच से, आपका को भाई ये नेता उसको उठाएंगे, क्योंकि इनका रिमोट कंट्रोल, इनकी गर्दन बीजेपी की। भाई पहलवान जी मैं आपको बता रहा हूं ये बात, मेरी बात को याद रखना, आपके बीच से यही नेता जो हमारे जिन हमने चौधरी बनाकर 10-10 साल मुख्यमंत्री बनाया, यहां कैंडिडेट उठाएंगे पीछे तबकी मार के। और जो दूसरे जीत रहे ना, एक प्राण बैठा कैंडिडेट, वो भी चुनाव लड़ेगा, जेजीबी का निर्दलीय कैंडिडेट। आपने कभी सोचा कि आपके गुआंड का जो भाई कई दिन पहले चर्चा चल रही थी कांग्रेस ज्वाइन करे, चाली थी ना, चाली थी बताओ ना, बोलते क्यों ना, चाली थी ज्वाइन क्यों ना हुई भाई? मैं बताता हूं ये बात को, इसलिए आया हूं आपके बीच में। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आएगा जाटों की वोट पड़ने के। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं किसी का को नहीं, सारे की बताऊंगा एक एक की। ये काल प्रोग्राम होया है इंडियन नेशनल लोकदल का, होया है ना परसों, उसमें घनी भीड़ बात देखी मैंने, ये 4 दिन में कौन सा लाट पैदा हो गया भाई, विरोध दल का दूर इतनी भीड़ कर दी तुमने, उसमादी बीजेपी भर रखी थी उसको प्रमोट करने के लिए, अगलाट जाके मैं 4 दिन पहले जिसका प्रोग्राम 50 सौदापड़ी के लहरदार 50-40 गांव के पागल 150 आदमी हार थे, वो इतना बड़ा टेंट कुकर भर गया, वो बीजेपी ने भरवा रखा था ना, फिर तो तुम्हारी जानकारी बता देता हूँ। अगवा भीड़ दिखा गया थारा, यो तो आ गया देवलाल का पोता, और वो देवलाल का तुम्हारी वोट पाड़ने के अलावा कुछ नहीं है, उनके थारा कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और वो पहले 33 अली थी वो कोशिश करेंगे 8-10 हजार में पहुंच जाए, और सिर्फ तुम्हारी वोट पाड़ने के लिए। मेरा पहला उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त नहीं कराई ना, तो पूरा हरियाणा इस बड़ौदा में थूक। आपको बता रहा हूं इस बात को, पूरा हरियाणा प्रदेश तुम्हारे को जयचंद बोलेगा, जयचंद किसान के सबसे बड़े गद्दार साबित हो गए बड़ौदा वाले, मैं पंचायत में खड़ा हो गया इस पवित्र स्थान में, आपको कहता हूं इस बात को, और मेरी बात को युवा साथी खड़े, मेरी बात को घर जा गए, अरे मेरे ताऊ चाचे बुजुर्ग बैठे हैं, होकर बैठ के सोच लेना इस बात को। मैं तो भाई वन मैन आर्मी हूं, ना कोई पार्टी ना और कुछ, इंडिपेंडेंट एमएलए मैम की मेरी बहादुर जनता ने बना रखे है। मैं आज जो मेरा टी सर जो तकलीफ है, लोग तो जो है भाई दूसरी पार्टियां में पिछले साल का देख लियो, जो कांग्रेस के भी थे ना, जो जेपी पर के जो एमएलए बन रहे थे, वो इन खट्टर के चम्मच मारते हंडाया करते, अपने काम कटवाया करते, और मैं तो सरकार बनती है 2 महीने के बाद इनकी उस भरी
ठोकर मार के ना आया हो तो बताओ थारे लिए मेरा कोई वो नहीं था। भाई बलराज कुंडू की, उस किसान की लूट के लिए जो सुगर मिल में इस मुंशी लाल ने 5,000 करोड़ का डाका डाल रखा था उसकी आवाज उठाई थी, उसकी उठाई होगी ना 5,000 करोड़ का। और मैंने वहां पूछा था, हमने रोज आए गेटा को करना पड़े गंडा का भाव बढ़ा दो। अरे जी जो मिल ही जो 100 करोड़ रुपया इस साल का टन जाएंगे, जो फैक्ट्री जिसमें थारा रॉ मेटेरियल जाएगा, जिससे वो फैक्ट्री तो टन जाएगी, थारा रॉ मेटेरियल के रेट कौन बढ़ा देगा, मैंने बता देते हो। जिस फैक्ट्री में जिसका लॉस 4 साल पहले एक शुगर मिल का 6 से 10 करोड़ रुपये हो रहा, वो 4 साल में 100 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया हर साल। और हरियाणा के अंदर 11 शुगर मिले हैं 1100 करोड़ रुपए सालाना, और 4 साल के अंदर 4500 करोड़ रुपए का घाटा जिसने कर दिया हो, वो तुम गंडे के पाएंगे बाट देखो। मैंने यह तो आवाज उठाई थी, अगर मैंने न्यू आवाज उठाई थी, अगर मेरे ताई मंत्री ना बनाया, मे मीडिया वाले भी छापे थे, मंत्री तो मैंने बनाओ थे वही 6 महीने पहले, अरे भी कई दिनों लेकिन थे आज टेबल पर बैठने तैयार। मैं आपकी आपकी नहीं अपनी एक टीस है मेरे, सरकारी नौकरी खत्म होती जा रही है भाई ना मेरा हो तो, अगर सरकारी नौकरी प्राइवेट सेक्टर पूरा निजीकरण होने जा रहा है, बिजली का बिजली डिपार्टमेंट का पूरा मसौदा तैयार हो चुका है, कभी पास होगा पूरा बिजली डिपार्टमेंट जो है बिजली मिले नहीं भाई थारे और लट्टू जलता अच्छा नहीं लगता ही नहीं। प्राइवेट देंगे और थारे ही वर्ग नौकरी करवा गए तब अपने भाइयों का जो है उनका लट मारोगे जाके, ये बता रहा हूँ तो मेरी बात को याद रख लेना इस बात को, ये डाल के पहलवाना करेंगे कट्टे मोटे मोटे जो कान टूटे उड़ाने, और इन तय ठेका देंगे काम का, अरे अपने चक्कर में अपने भाई अगले मारेंगे। अरे मैं ये सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरी बात को नोट कर लेना, कदे मजाक समझ जाओ और भी काट जाओगे। तो ये बात होने वाली है, इसी प्रकार से जितने विभाग हैं सब में पूरा हरियाणा का एक ठेकेदार बैठ जाएगा जो, और थारे इंटरव्यू लेगा और थरता ही जो 8 घंटे नहीं 12 घंटे तुम्हारे को नौकरी करनी पड़ेगी, तनख्वाह मिल लगी 12,000 सरकारी नौकरी की बात देखियो। और जिस दिन तम मड़े ही उल्टे बोले वारी गए, अगले दिन थारा हाथ में चल अपने घर दूसरे ला ली, ये देखो ना ठेकेदारी प्रथा में, वो जो उनके सुपरवाइजर जो लड़िए हैं वो कह कर भी मांगे मांगे हैं ना मांगते लाख लाख रुपए 1.5 लाख रुपये प्राइवेट उसमें रिश्वत चल पड़ी, क्या होगा इस देश का, क्या तुम्हारा होगा इस बात की चिंता कर लेना, क्या होगा फिर महाराणा द्वारा एक रास्ता बचा बंदूक उठा गया, बंदूक उठाओगे तुम ये भी उठा रहे गए, और बंदूक उठा गया क्या होगा तुम बार लाला जी ने किसी जानते गांव का कोई का था भाई ठीक ठाक काम धंधा कर रहा हो कार पूरा बढ़िया कोठी घर बना लिया, उस दिन रात ने 2 बजे फोन करोगे 5 लाख रुपये पहुंचा दिए गोली मारागी, गलत क्यों हो गया बता दो। तुम मरो कट्टो भी आपस में गए क्यों, वो भी उसके भी मरोड़ो 5 लाख दे को नहीं, तीसरा चौथे दिन उसके गोली मारी चालू हो लिया यो काम चालू हो लिया, और फिर उसका भी उत्सव उसका एक परिवार है वो 1 महीने पास थारे ठोकेगा होगी तो सुन, यो काम चालू हो लिया पर थोड़ा है घना बदेगा मेरे जो है बहू के बड़ी बहू मेरे दौरे राकेश मुकेश दो भाई है जड़ुआ, वही भी 1 हफ्ते पहले मेरे खास से मेरे जो दिन रात मेरे लिए 9 बजे ही मेरे ऑफिस है रोहतक जिन चौक पर उड़ता अपने घर गया था मोटरसाइकिल पर गांव में बड़ा था उड़ा के मोटरसाइकिल उड़ा कर रिवॉल्वर ला दिया मुंह भाई आज बगल यो कोरोना ला गिरा है मुंह बुला ली मास्क ने, वो बोले भाई मैं गांव का हूँ बोले और पाकिस्तान के डे जावा गांव के भूखे मरते तन ने तो तड़े उतर मोटरसाइकिल था उसका पर्स काट गए और बोले सीधा हो लेना दिखा है, तो बोले भाई मेरे इसमें कागज कागज हुआ तो दे दो मेरे लाइसेंस वाइसेंस है, तो पर्स खोल गए ना और मैं पीछे काट लिया और पकड़ा कर बोला सीधा हो ले, यानी गांव के आपस गांव के अंदर ये हाल बता रहा हूं मैं, आपस में मर कट के मर जाएंगे
और मुकदमे में उसमें वो उसको टूट लेंगे। उन मुकदमे में अहल मदे खूट बचने नहीं। ये तीन जो काले कानून आए हैं ना, ये काले कानून अगर तुमने बेराए को नहीं हुए, थारा चम आठ खाची हो बन रही, तुमने इस बात का न्यू नहीं बेरा। ये काले कानून के हैं, ये चौधरी सर छोटू राम जी जिसको हम अपना भगवान और मसीहा मानते हैं, उसने जो मंडी व्यवस्था करी थी ना, वह मंडी व्यवस्था खत्म। ये रोज नंगड़ झूठे बीजेपी वाले तनखड़ रोज बोल रहे ना एमएसपी में खरीदांगे। थराला देव गला सूद बैठ जाएगा, चुनाव है ठीक है, थराले धान धून ले लेंगे, अगले गढ़ बाट मत देखियो। और एक दिन मंडिया चक्कर लाया भाई मोटरसाइकिल बैठ के, थराले छोड़ दियो, थराले तो कोशिश करेंगे अरे तकलीफ कम तक आ क्यों वोट लेनी है थारा पास। उड़ के हाल किसान मैं यो फैसला तुम न करना, वोट थारी मेरी तो वोट नहीं। अगर जब भी पूरा हरियाणा प्रदेश आज मजदूर और किसान पूरे हरियाणा प्रदेश का आज बड़ौदा की तरफ देख रहा है, बड़ौदा से एक नई चिंगारी, एक नई राजनीति दिशा, नई सोच और नए न्याय युद्ध का जो है ना आगाज बड़ौदा करेगा। और बीजेपी पार्टी वाले या कोई भी राजनीतिक दल जो आज किसान मजदूर के साथ नहीं खड़ा है उसको सबक सिखाने का काम करेगा। आज ऐसा दौर है, अगर आज भी आपको इस बात की पहचान नहीं हुई कि कौन आपका है कौन आपका पराया, तो फिर किसी दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं। आज आपको इस बात की भी पहचान करनी पड़ेगी कि आज वो ड्राइंग रूम में बैठ के एसी कमरे में बैठ के जो प्रेस नोट और स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, क्या वो आपके हकों के लिए कभी आवाज में या सड़क में किसान मजदूर के साथ खड़े मिले थे क्या? इस बात ने भी पहचान लियो। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैंने विधानसभा के अंदर आपने देखा हुआ एक दिन का सत्र था जिस दिन किसान बिल को मैंने वहां प्राइवेट बिल को पास किया था, उस पर चर्चा करने के लिए मैंने 88 विधायक में एक भी उड़ पाया नहीं। भाई बोलनिया सदन छोड़ के बाहर बाज गया कहते जिन तुम अपना मान रहे हो बता रहा हूँ। मील घाटे में चल रहे उसके बारे में भी आपने जिक्र किया था। उसके बाद पीपली में पूरे प्रदेश के अंदर अगर एक भी कोई नेता किसान के साथ खड़ा हो तो भाई एक बार मन बता दियो भाई फलाना खड़ा हो होया था क्या वो खड़ा? बीस तारीख ने जब सभी किसानों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर रोड जाम करने के लिए जो वो आंदोलन की आगाज की थी, याद कर लियो भाई कोई नेता कौन से पार्टी का तुमने रोड पर पाया हो देखे हो तो था के? और 25 तारीख ने हिंदुस्तान बंद करने की जो बात हुई उसमें कोई नेता आया हो तो देख लियो भाई। तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, आज हम बहुत सारे प्रभाव है या 70% आज भी मुझे पता है, लेकिन एक बात सोच लेना मैं आपको, मेरा कोई फायदा नहीं टोटा नहीं, मेरा तकलीफ जरूर होगी। मैं आज जरूरत है इस देश और प्रदेश को एक नई यहां से ऐसा संदेश देने की कि जो पार्टी जो भी पॉलिटिकल दल या जो भी नेता किसान मजदूर का नहीं है उसका नामो निशान मिटा देंगे, ये संकल्प लेना होगा। एक एमएलए बनने या उठने से आज ना कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला ना बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला। कांग्रेस के उदासा विपक्ष के नेता हैं और इस तरह पहले 31 से थे, थारा विधायक था ना वो चाचा कृष्ण जब था जब 31 से थे, आज वो हमारा बीच में कोई ना तो वो है तो चुनाव होगा यो तो नेता विपक्षी थे वे। अरे फिर दे दियो नेता विपक्ष से रहेंगे इससे ज्यादा कुछ नहीं भाई। समझे नहीं समझे मेरी बात का मतलब जो कहना चाहूं, मुख्यमंत्री कौन बनता हो अराड़े खड़ा हूं मुख्यमंत्री बनता हो तड़के बुला लो उसकी खेल खड़ा हो जाऊंगा। मैंने पहले भी कही थी मैं कहा मैदान में मैं ले आके दूंगा तेने 15 MLA बना मुख्यमंत्री। उसका ब्योत कोनी भाई, उसका ब्योत कोनी, उसकी गर्दन आड़े तो पकड़ रखी है गणिए फाइल से
ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अखबार पढ़ते हो, सोशल मीडिया में देखते हो, एक हफ्ते पहले जो यूपी वाला कांड होया, हाथरस वाला होया था, हमारा वो छोटा भाई जो है एमपी साहब, जिसके तुम सारे लाडले मेरे 60% उससे ही थे बोलते पाओगे, वो हमारा एमपी साहब लाडला भाई हाथरस में मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे ना, फिर होता देखा नहीं क्या सोशल मीडिया पे, वो मोटरसाइकिल लेके उड़ जा रहा था, और उसने 2 दिन पहले का बयान था कि मैं तो उसके क्वारंटाइन हूँ, कोरोना में थारे दौरान की टाइम नहीं था उसके पास। सोशल मीडिया में यूट्यूब पर आदमी चेक कर लो अगर मेरी बात कोई झूठी हो तो। भाई आज चुनाव है ना, क्या तारीख होगी? 7 होगी, क्या तारीख का चुनाव है, क्या दिन रहेंगे, क्या दिन रहेंगे, 26 दिन रहेंगे। अरे बीजेपी वाला जिसका राज हो ना कटिए तार तार रखे, थारे 5 महीने हो गए तार रखे ना कटिए, वो चुनाव लड़नी दिखा है कि थारे थोड़ा आए हैं के है उन दौरे भी 30 में लो 40 से 30 है उन दौरे भी आया है क्या कोई? तो यार कद समझोगे तारा तो राम भी भला नहीं कर सकता, इतने लड्डो है पेटीएम तो ज्यादा तो कौन आया था? वो था ब्राह्मणा ने बोला जी सोने पत्ते बोले ओ मैं ओ काका जी ने को उस चीज समझ लेने समझ गए मैं के को समझे ना समझे हर जाई भी ना समझे ना थारा तो भलाई होता था भी कौन बता दो जी बेटा बना नहीं मेरा प्रश्न है मेरा तो भाई मैं तो एक बात करना मेरा तो पहला टारगेट बीजेपी के कैंडिडेट को उसकी जमानत जब्त नहीं कही ना पूरा हरियाणा थूकेगा तारा पर पूरा हरियाणा गारंटी देता हूं तुम रिश्तेदारी बड़ोदर बार की तरह रिश्तेदारी हम जाओगे तो तुम्हारे को क्या क्या सुनने के मिलेगी टेलीफोन करके पूछ लियो से आज पहले बनाओ अपने उम्मीदवार को पंचायती उम्मीदवार को उस ठक्को नहीं जो इन पार्टियां का जो है ना दलाल बनकर रनो पिछली थारी वोट लेने खातर जो बीजेपी को जिताने के लिए आ उसको बन जिताना। अब मैंने क्या बताया देखो वो तो रिजर्व था जो उसके जो भी था। अब मैं आपको एक बात मेरी बात को आपने समझा नहीं पकड़ा नहीं थारा बीच में थारी वोट पाड़ने के लिए नाम बलराज कुंडू में कैंडिडेट कौन था मैं तो जब तुम देते हो और उसका नरम भी तो होगा उसकी गेल खड़ा हो जाएगा यह बात कहना आपके बीच में है। मेरी तो कोई पार्टी नहीं है मैं तो इंडिपेंडेंट हूं बनेगा वो भी इंडिपेंडेंट बनेगा मैं क्यों बोलना हूं जीत थारी और हार गया तो जूत मेरे जीत तो थारी थारा एमएलए बनेगा इंडिपेंडेंट मेरा तो कोई वो नहीं अरे जब उत्सुक लाग के अरे यो बीजेपी वाला जीत गया तो उसके जूत मेरे था ऐसा काम मैं क्यों करूंगा इतना बावला तो बलराज को नहीं अरे मैं थारे खातर मैं दिन रात धक्के खा रहा हूं तड़के लिखड़ू रात ने तो क्या तुम जागो नहीं है क्या मैं इसलिए धक्के खा रहा हूं तुमने जगाने के लिए मेरा कोई स्वार्थ नहीं है और आज जिस प्रकार की चर्चा थारे पास भी कहेंगे अगर बीजेपी ने छोड़ रखा है ये तुम्हारे को कहेंगे शुरू हो चुकी है सोशल मीडिया पे भी लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो सच्ची बात है और तुम्हारे भविष्य के लिए बात है अरे जय आड़े तुमने बीजेपी जिता दी तो न्यू मान लेना उसके 10 दिन के बाद में हरियाणा में कोई बीजेपी के खिलाफ बोलनिया मानस नहीं पाओगा उसका पजामा तार तार इतने जूत मार देंगे समझ में आओगे समझ में आज एक नई ताकत और एक नई हरियाणा प्रदेश को इस बड़ौदा ने एक वो एनर्जी देनी है कि अब हरियाणा प्रदेश का किसान मजदूर और युवा बेरोजगार कर्मचारी व्यापारी आज अन्याय सहन नहीं करेगा वो लड़ाई के लिए आंदोलन के लिए खड़ा हो चुका है उसका संदेश ही बड़ौदा चुनाव अब फैसला आपने करना इकट्ठे हो गए
और एक पंचायती उम्मीदवार ईशा ढूंढ लो जिसने गणी है तो पार्टी ना बदल रखी हूं। जो गणी पार्टी वाला वो किसी का नहीं हो सकता। उसके तो दिन रात सपने में एमएलए बनन तो नारा उसने उसे कुछ नहीं दिखता। समझे कि नहीं समझे? ये जितने अंडे भटकते ही रात ने बता दे तन्ने एमएलए फलानी जगह दूड़े उठ के खड़े हो जा मरे बेटे तड़के किसे की वोट मांगे सामने किसे की जो ना टिकट मांगे इनका न्यू नहीं मेरा। तो ऐसे इंसानों से बच के जो जो आपका वकील बनकर आपका सेवक आपका भाई और बेटा बनकर आपके लिए लड़ाई लड़े बिकेगा नहीं। और जो झुके ने उगमड़ा ना हो उसको चुन दो अगर बचना है तो। और चौधरी छोटूराम जी ने जिसको हम अपना भगवान और मसीहा मांगते हैं बलराज कुंडू कोई बात करता है तो नु कहे ये तो अपनी राजनीति चमकान का ही लाग रहा है ये कहे ना। क्योंकि कोई नया जब किसान का घर से बेटा आता ना उसको तो राजनीति चमकाना बोलते हैं। अरे अपने दादे पोते पड़दादे सबके में पोते पाते सब ने पहले हैं तो नीमरत राजा वह राजनीति नहीं होती। ये नहीं चाहते यहाँ कोई भी नया जो कोई किसान मजदूर का दर्द समझने वाला किसान मजदूर का बेटा अगर इस विधानसभा में पहुंच गया तो इनकी धजियां उड़ा देगा इनका जो ना पकेड़ा कड़ा कर देगा। मेरे सामने मैं बुलाना सबको चैलेंज करता हूं अगर 15 मिनट मेरे सामने को टिक के मेरे सवालों का जवाब दे के दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा उसे। तो ये आपको मैं एक जगाने की सोच से आज आपके बीच में आया हूं। और ये चुनाव नहीं एक ऐसा आगाज है जो पूरे प्रदेश की निगाहें इस बड़ौदा पे हैं और बड़ौदा ने उसको न्याय करने की तरफ अपना एक एक कदम और एक एक वोट वो किसी के बहकावे में या 2000 रुपया में या दारू में नहीं बिकने देनी है। गांव में हमारे बहुत सारे मजदूर और ये दबा के पैसा करेंगे। उस बात के लिए आप सब युवाओं साथियों को जो ना मैं एक निवेदन भी करता हूँ और अपने भविष्य की चिंता करने के लिए आप सबको आगे के लिए आगाज भी करता हूँ।